अनिल हारका जी कि अब शहर से गांव की ओर चल पड़े और लगता है कि ये बढ़ते ही जाएंगे और चलते ही जाएंगे। मेरे सामने से गुजरे तो बात तक लगी, मेरे सामने से गुजरे तो बात तक लगी, अब कैसे यकीन करें कि तुम घर जाके हो, कि तुम घर जाके हो। अजमाना अपनी यारी को मेरे दोस्त पतझड़ ने, अजमाना अपनी यारी को मेरे दोस्त पतझड़ ने, सावन में तो हर पत्ता हरा नजर आता है, सावन में तो हर पत्ता हरा नजर आता है। तुम्हारे बीच बैठकर मैं गुले गुलजार हूँ, अच्छा तुम्हारे बीच बैठकर मैं गुले गुलजार हूँ, ऐसी बुला मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, ऐसी बुला मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मैं कभी कहाँ होता अगर दूर रहता तुमसे, मैं कभी कहाँ होता अगर दूर रहता तुमसे, तुम्हारा संग मिला मैं छोटा सा कलमकार हूँ। कल्पना जी ने कहा है कि क्या करता हूँ, तो बंदे हैं तेरे इशारों में और मेरी कविता ने बरसे दिन रहने, ये मेरी स्वरचित कविता है और मैंने साथ कल्पना जी का नाम भी सुन लिया। किसे सुना किसे अब सुनाए, कैसे गुजरी कल्पलोक में विचर प्रयास, किसे सुनाए कैसे गुजरी कल्पलोक में विचर प्रयास, काश उधर वे दिल सुन जाते, काश उधर वे दिल सुन जाते, मेरे और पीड़ा भरे जज्बा, किसे सुनाए कैसे गुजरी कल्पलोक में बिछर तेरा, राहे बपाओ छोड़ के भूले दिल पर हुआ गहरा ब्रजपात, राहे बपाओ छोड़ के भूले दिल पर हुआ गहरा ब्रजपात, कहो अब कैसे उड़ूं गगन में, कहो कब कैसे उड़ूं गगन में, पंख तोड़ कर छोड़ा सा, कहो अब कैसे किसको सुनाए कल्पलोक में बिछर तेरा, प्यार के वादे और कसमें बिखर गए बिसर गए राजे दिल मुलाकात, प्यार के वादे और कसमें बिसर गए राजे दिल मुलाकात, देंगे यही दुआएं हम दम, देंगे यही दुआएं हम दम, तुमको मिले ताउमर का साथ, किसे सुनाए कैसे गुजरी कल्पलोक में बिछर तेरा, काश उधर ने दिल सुन जाते, पीड़ा भरे जज्बात, किसे सुनाए कैसे गुजरी कल्पलोक में बिछर तेरा, जीवन बगिया में खुशियां हो, जीवन बगिया में खुशियां हो, नेवर से दिन रैन सौगात, जीवन बगिया में खुशियां हो, नेवर से दिन रैन सौगात, घर आंगन में महके बहारे, घर आंगन में महके बहारे,
कभी घटे ना उमंग उलाल, किसे सुनाए कैसे गुजरी कल्पलोक में बिछरत रात। का सुंदर ने दिल सुन पाते दिल हर पीड़ा भरे जज्बात, किसे सुनाए कैसे गुजरी कल्पलोक में बिछरत रात। कल्पलोक में बिछरत रात, कल्पलोक में बिछरत रात। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपने थी। हमारे बीच में नेरवा से आए हैं दिनेश रास्ता जी, आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप मंच पर आए और काव्य पाठ करें। दिनेश रास्ता जी